अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सब दा पीरां फकीरां दी नगरी चैनल विच। दोस्तों, आज मैं आप सब लई एक अजिहा शाबर मंत्र लैके हाजिर होया हाँ, जिस दा जाप करन दे नाल तुहाडी शरीरिक कमजोरी दूर हो जाएगी। जेकर तुसी पतले हो, कमज़ोर हो अते तुसी बहुत सारिया दवाइया भी खादिया ने पर फिर भी थोड़ी सेहत नहीं बनती, लोग थोड़े दुबलेपन का मजाक उड़ाते हैं, तो यह मंत्र थोड़े लिए ही है। जिन्हां लोगों को सवेरे उठना औखा लगता है, कमजोरी बहुत महसूस होती है, फील होती है, कोई भी काम कार करने दिल नहीं करता, हर टाइम कमजोरी ही महसूस होती रहती है, तुरना फिरना औखा लगता है, हाथ पैर सौ जाते हैं। जिन्होंने बहुत सारिया दवाइया खा लिया है, लगातार खा रहे हैं, पर फिर भी कोई भी असर नहीं दिखाई देता। ताकत वाली चीज़ा भी खाते, फल फ्रूट खाते, बादाम खाते, पर फिर भी कमजोरी दूर नहीं होंगी, सेहत भी नहीं बनती। तो दोस्तों, इस मंत्र का जाप करन नाल तुहानू खादा पीता लगन लग जाएगा, तुहाडी सेहत बनन लग जाएगी, कमजोरी भी हौली हौली दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही ताकतवर शावर मंत्र है, ये हनुमान जी का मंत्र है। दोस्तों, ये शावर मंत्र वैसे तो सिद्ध किते ही हुंदे ने, बस इन्हां नू जागृत करन लई थोड़ी जिही मेहनत करनी पैंदी है। जिहड़े लोकी पतले हुंदे आ, दूसरे लोग उन्हों का बहुत मजाक उड़ाते रहते हैं, पर हुण तुहानूं घबराउण की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये मंत्र इन्ना क पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र का जाप करन दे नाल तुहाडा दुबलापन पतलापन दूर हो जाएगा। कई दोस्तों के कमेंट भी आए थे, दुबलापन दूर करन वाला, कमजोरी दूर करन वाला कोई कलमा मंत्र अपलोड किया जाए। सोना दे कमेंट्स नूं ध्यान दे विच रखते हुए अज आप सब लई ये मंत्र पाठ लैके हाजिर होए हाँ। दोस्तों, वैसे तो तुसी इस मंत्र नूं सिद्ध करन लई 21 दिन लगा सकते हो, पर जेकर तुसी इस मंत्र नूं दिवाली या होली या शिवरात्रि इन्हां दिनां विच सिद्ध करते हो, तां जां फिर चंद्र ग्रहण सूरज ग्रहण विच सिद्ध करते हो, तां तुहानू सिर्फ एक दिन का ही जाप करना पवेगा। जेकर तुसी चंद्र ग्रहण अते सूरज ग्रहण विच सिद्ध करते हो, तो जिन्ने भी समय का सूरज ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण होगा, उन्ना समा लगा के जिन्नियां भी माला कढ़ सको उन्नियां कढ़नियां आ। जिन्ने भी समय का चंद्र ग्रहण या सूरज ग्रहण होवे, उन्ने समय के जिन्ना भी पाठ करो सको वो करना आ। अते जेकर तुसी शिवरात्रि होली दिवाली इन्हां खास दिनां ते सिद्ध करते हो, तो 51 माला का लगातार 51 माला का जाप करना पवेगा। इस नाल तुहाडा ये मंत्र जागृत हो जाएगा, अते तुसी इस मंत्र नूं अपने उत्ते भी वरत सकते हो, अते किसे ते भी वरत सकते हो, किसे दा फांडा भी कर सकते हो। दोस्तों, इस मंत्र नूं सिद्ध करन लई रुद्राक्ष दी माला लेनी है, अते हर रोज़ 5 माला का जाप करना है। जाप करन वेले जमीन ते बैठ के ही जाप करना है, अते लाल आसन विछा के जाप करना है, अते नाल ही देसी घ्यो का चिराग जगाना है, अते जिहड़ी भी तुहाडे कोल धूफ या अगरबत्ती है वह जगा लेनी है। अते तुसी इस मंत्र नूं अपने घर विच ही, अपने घर दे पूजा स्थान ते ही बैठ के कर सकते हो, तुहानू किते बाहर जाण दी जरूरत नहीं है। अपने घर विच पूजा स्थान ते बैठ के ही तुसी इस मंत्र नूं सिद्ध कर सकते हो। पूरे 21 दिन लगा के इस मंत्र नूं सिद्ध करना है, इस मंत्र नूं जागृत करना है, अते उस तो बाद ये मंत्र तुसी किसे लई भी अते अपने लई भी वरत सकते हो। सो दोस्तों, हुण मैं आप सबनों ये मंत्र
दसन जा रहा हाँ। यह मंत्र तुहाडे फोन की स्क्रीन पर भी लिखा होया दिखाई देवेगा। हुण तुसी इस मंत्र नू सुन लवो अते इस मंत्र नू नोट कर लवो। तू है वीर बड़ा हनुमान, लाल लंगोटी मुख में पान, ऐर भगावे बैर भगावे, अमुख में शक्ति जगावे, रहे इसकी काया दुर्लभ, तो माता अंजनी की आन दोहाई, गौर पार्वती की दोहाई, राम जी की दोहाई, सीता माता की लै इसके पिंड की खबर, ना रहे इसमें कोई कसर। सो दोस्तों, इस मंत्र जिहड़ा तुसी सिद्ध करना है, मैं इस मंत्र नूं इक वार फिर रिपीट कर रहा हाँ, तां जो आप सब नूं किसी भी अल्फाज का कोई भी डाउट ना रह सके। आप सब ने एक बार फिर तो इस मंत्र नूं चंगी तरह ध्यान नाल सुन के नोट कर लेना है। तू है वीर बड़ा हनुमान, लाल लंगोटी मुख में पान, ऐर भगावे बैर भगावे, अमुख में शक्ति जगावे, रहे इसकी काया दुर्लभ, तो माता अंजनी की आन दोहाई, गौर पार्वती की दोहाई, राम जी की दोहाई, सीता माता की लै इसके पिंड की खबर, ना रहे इसमें कोई कसर। सो दोस्तों, ये सी मंत्र जिस नाल शारीरिक कमजोरी दूर होवेगी। सो दोस्तों, इस मंत्र विच जिथे अमुख शब्द बोलिया गया है, इस मंत्र नूं सिद्ध करन वेले तां अमुख शब्द ही बोलना है, पर जेकर तुसी अपने उत्ते या किसी उत्ते इस मंत्र दा जाप करदे हो तां जिस किसी दा भी तुसी इस मंत्र दे राही फांडा करदे हो तां अमुख दे थां ते उस दा यानी कि रोगी दा नाम लै देना है, पर जेकर तुसी अपने उत्ते इस मंत्र नूं प्रयोग करदे हो तां अमुख दी थां ते अपना नाम लै लेना है। जेकर किसी रोगी दा फांडा करदे हो तां 21 दफ़ा इस मंत्र दा जाप करके उसते फूक मार देनी है, अते जेकर तुसी अपने लिए करदे हो तां 21 दफ़ा मंत्र दा जाप करके अपने ते फूक मार लेनी है। सो दोस्तों, जेकर तुसी साढ़े इस चैनल ते नवे हो तां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना, बैल आइकन ते प्रेस करके ऑल ते क्लिक करना, तां जो आप सब नूं साडी हर एक वीडियो दी नोटिफिकेशन सब तो पहला मिल सके। इस वीडियो नूं लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स विच जय पीरां दी जरूर लिखना। इसे तरह दे कलमे मंत्र पाठ दुआ फरियाद आप सब लई लैके हाजिर हुंदे रहांगे। सो मिलदे हाँ अगली वीडियो दे विच। जय पीरां दी।